दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है, परिचर्चा का मुद्दा है, वो ये है कि पिछले लगभग एक दशक से हमारे देश की राजनीति राम और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये आप सब जानते हैं और नारा लग रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा ने जो राम मंदिर का मुद्दा तैयार किया उसके पीछे धर्म कितना था और राजनीति कितनी थी। यदि धर्म के आधार पर सरकार बदली थी या राम के आधार पर जनता उनको वोट दे रही थी, तो जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे नारा फेल क्यों हो गया? भाजपा 272 सीटों से घटकर 240 पर कैसे आ गई? इस नारे ने काम क्यों नहीं किया? धर्म अचानक कहां गायब हो गया? देश की जनता तो जो पहले थी वो अब भी थी, तो उन्होंने या देश की जनता ने मंदिर या राम के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इस नारे पर अमल क्यों नहीं किया और ये अचानक सारा परिदृश्य बदल कैसे गया, क्यों बदल गया? तो दोस्तों इस मुद्दे पर आज हम जो आपसे बातचीत करने वाले हैं, हमारे बीच में आए हैं ज्योति संघ जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं और जर्मन भाषा के विद्वान हैं। हम आज उनसे जानना चाहेंगे इन सवालों के जवाब कि अचानक देश का मूड बदला तो क्यों बदला, और जिस साल में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ उसी साल में जब ये उम्मीद की जा रही थी कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्रवेश हो गया और वहाँ पर अयोध्या में जनता एक पर्यटन के रूप में बड़ी तादाद में जाने लगी, तो ये उल्टी गंगा बही तो बही कैसे? जब 400 पार का नारा था तो 240 पर भाजपा अटकी तो क्यों अटकी? ये इसके क्या क्या कारण हैं, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को और देश की जनता को अपने विचारों से अवगत कराइए। आप क्या सोचते हैं? देश रोजाना की कार्यकारिणी को और आप जैसे एक पुराने वरिष्ठ पत्रकार साथी को मैं नमन करता हूं, और इसका कारण ये है कि सवाल तो वही होने चाहिए जिसके जवाब लोग चाहते हैं, बजाय इसके कि हम लीपापोती करें, इस तरह के सवाल करें और प्रोग्राम करें जो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाएं उनका। यहाँ इंटरेस्ट बनाना पत्रकारों का काम नहीं, पत्रकारिता का काम है लोगों के दिमागों में पैदा हुए सवालों का जवाब ढूंढना, उन्हें उनसे सांत्वना देने की कोशिश करना, उनके हल करना। शुक्रिया क्योंकि आप ये कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो राम को लाए हैं, ये सेंटेंस, ये फिक्रा, ये शब्द बड़े हास्यास्पद है। जब मैंने अपनी आँख खोली, जब माँ पापा कहना सीखा, तो मुझे याद है उसके बाद जो कुछ शब्द सुने होंगे, हमारी माँ हमें तिलक लगाती थी, थोड़ा सा प्रसाद हमारे मुंह पर लगाती थी, कहीं पूजा अर्चनी होती तो माँ कहती आ बेटा प्रणाम कर। तो मुझे याद है मेरी वो अबोध आंखें जिन्हें कुछ भी नहीं पता था,
मेरी माँ ने उस आस्था को, राम के प्रति आस्था को, मेरे जैसे अबोध आदमी का भी सिर झुका के राम के सामने झुकाया, अबोध बच्चे को खड़ा किया और मुझे बताया कि राम क्या है। तो मेरी तो राम में आस्था तब से है जब मैंने होश संभाली। और शायद मेरे पिताजी से अगर कोई पूछे, मेरे दादा परदादा से किसी ने पूछा होता तो जवाब उनका यही था, हम राम के बिना हम कौन हैं, हमारी संस्कृति। अब सवाल धर्म जो है, ये इतना अजीब सी बात हो गई है, धर्म धर्म तो मानवता है, धर्म तो बराबरी लाता है, धर्म प्रेम है, धर्म सहिष्णुता है, धर्म दया है, धर्म तो जीने की एक पद्धति, एक राह है जिससे केवल सुख आते हैं। धर्म वोट दो, धर्म का वोट से क्या संबंध है? एक कसाई जिसका काम है गोश्त काटना, वोट तो वो भी डालता है। इसी तरह के बहुत लोग जिनका किसी तरीके से राम से कोई संबंध नहीं, वो भी वोट डालते हैं। तो मेरा मकसद है, वोट और धर्म का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इसे कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, इसलिए हमारे भारतीयों के दिमागों को इसे एक साइकोलॉजी में, ये एक तरीका है कि आपके दिमाग में कुछ भरना है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो उसमें एक चैप्टर हुआ करता था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारे दिमागों में एनवायरनमेंट जगह लाती है, बनाती है, और एनवायरनमेंट की वजह से जो हम देखते हैं आसपास, जो रोज सुनते हैं। तो शायद ऐसा सोचा कुछ लोगों ने कि एक झूठ को सुनाओ 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 बार बार सुनाओ, ये सुनते सुनते ये भी कहने लग पड़ेगा। और ये फार्मूला, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सत्य लगने, तो ये फार्मूला इस देश में, मैं ये नहीं कहता हूं ये गलत है, राम का नाम लेना गलत कैसे हो सकता है, राम का, राम की पूजा करने के लिए क्या गलती हो सकती है, राम का मंदिर बनाना क्या गलती हो सकती है, लेकिन ये इसको एक किश्ती बना दिया गया है जिसपे बैठ के वैतरणी पार करनी है। ये राम साध्य है, राम साधन नहीं हो सकता। जब राजनीति ने या किसी विचारधारा ने राम को साधन बना लिया तो समाज में का तो जो हुआ से हुआ, उसका नुकसान हुआ, लेकिन करने वालों का भी कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरा कहना यह है, राम ला, जो राम को लाए हैं ये अपने आप में गलत धारणा है। राम को लाने का तो हम और आप तो क्या चीज है, सारी क्या औकात, सारी सृष्टि इकट्ठी हो जाए, हमारी क्या औकात है। जिस सृष्टि की रचना राम ने की है, हर भारतीय मानता, मैं भी मानता हूं, मुझे श्री राम 10 साल पहले 20 साल पहले नहीं सीखा मैंने, मैंने तो श्री राम अपनी माँ की गोद में अपनी नानी के पास बैठ के तब सीखा था, आज से 70 साल पहले। नहीं, पहले तो गांवों में जो भी रास्ते मिलता, राम राम जी, राम राम जी, इसलिए ये सब बोलते थे, ये या जय सिया राम बोलते थे। ये केवल जय श्री राम तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हाल ही में जय श्री राम में, जय सिया राम में, राम राम में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ये तो पैटर्न बना लिया गया है, राम और सीता दोनों हैं, उसमें सीता जी को अलग कर दिया गया, सिर्फ राम रहे। ट्रेडमार्क फिक्स होता है, एक बिजनेस है। ये किसी व्यक्ति ने श्री राम को ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश की, और श्री राम कैसे ट्रेडमार्क बन सकता है? जितना चल पाया, इनकी बड़ी तो बहादुरी है कि इसको 10-15 साल चला लिया, ये तो 2 साल में गिर जाना चाहिए था, लेकिन हमारी जनता जागृत नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। आप ये दावा कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, जो धर्म है असल में धर्म है, राजनीति का आधार वो है, वो मुसलमान हिंदू नहीं करवाता है, वो सिख ईसाई नहीं कराता है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो वाला धर्म है हमारा। महात्मा गांधी ने राम के नाम पे सारे संसार को, गरीब अमीर मध्यवर्गीय सिख मुसलमान ईसाई सबको जोड़ दिया। जब राम का नाम लेके, हरे राम का नाम लेके जब उनके सीने पे गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा। वो राम किसी सिख ईसाई या मुसलमान का राम थोड़ा था, वो तो हर मानव का, हर जीव का राम था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं गौतम साहब, धर्म तो राजनीति में आ सकता है, लेकिन धर्म जैसा कोई मिक्सचर बना के जिसमें तरह तरह की दवाइयां भी ले जाए, उसको धर्म कह सकते हो आप? उस बोतल के ऊपर लेबल लगा सकते हो धर्म, लेकिन उसमें आपने कोको कोला मिलाया, उसमें आपने पिज्जा मिलाया, उसमें आपने चाइनीज फूड मिलाया, और उसके मिला के और फिर बाहर लिखा श्री राम, इसका नतीजा क्या होगा?
मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं ज्योतिषी हूँ, पर मैं सितारों में, भविष्य में, कर्मों में विश्वास करता हूँ। अगर किसी भी एक व्यक्ति ने, विचारधारा ने, ये इतनी बड़ी भूल, भयंकर भूल की है राम का इस्तेमाल करने की, सुधर जाए, वरना राम तो बहुत बड़ी ताकत है, फिर वो अपना काम करेंगे, कुछ कर दिया है, कुछ कर देंगे, क्या कर देंगे, मेरे जैसे आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है बताना, पर मुझे लगता है कि राम ने तो लंका जला दी। इस पृथ्वी का सबसे धनी और विद्वान रावण जो है, वो और राम के सामने नहीं खड़ा हो सकता। वो राम जिसके एक तीर के सामने सागर ने आके हाथ जोड़ा, कहा मुझे माफ कर दो, वो राम जिसको हराना तो बड़ी दूर की बात है, जिसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल था, वो राम उसको बेचने वाले, उसको खरीदने वाले, उसको ट्रेडमार्क बनाने वाले, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बड़ी अजीब सी बात है। इनको कुछ नहीं करना, इनको आप अपने आप को ठीक कर लेना है, हुकूमत करें 100 साल करें, जब तक जिंदा रहे करें, हमें क्या लड़ाई है कि भाई ये ना करें वो करें, हम कोई जवाहरलाल के दलाल नहीं है। नेहरू फैमिली ने कोई हमारे घरों में कोई राशन नहीं भेजा हुआ जिसकी वजह हम कहें वही आए हैं, उनका परिवार परिवार आए, लेकिन जिसने राम के नाम पे भ्रम फैलाना है, उस राम के नाम पे जो केवल शक्ति देता है, मरते हुए आदमी को जिंदा करता है, दुखियों को जोड़ता है, डूबते हुए को बाहर निकालता है, उस राम का नाम विध्वंसक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, राम के नाम की जनता को बांटा नहीं जाता, लड़ाया नहीं जाता। इसलिए इनको केवल अपनी विचारधारा में चेंज करना है। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पार्टी 500 साल राज कर सकती है हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन राम, असली राम जो हमारा राम है, उस राम को लेके चले, ये अपना, लेकिन लेकिन जो इनका जो धर्म है जी, इन्होंने अपने धर्म के नाम पे तो देश में नफरत फैलाई, देश के बांटा, लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान किया, और जो भारत माता के तो सभी सपूत हैं, वो सभी लाड़ले, जो भारत भूमि में पैदा हुआ है, वो जो भारतीय नागरिक है, तो उसको तो संविधान से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें तो बांटा नहीं जा सकता। फिर इन्होंने ये क्यों कृत्य किया? क्या ये उसी का नतीजा है कि जिस राम के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर ये सत्ता में लौटना चाह रहे थे तीसरी बार भी, उसी अयोध्या में इनको बाहर का मुंह देखना पड़ा, और वहां से एक गरीब दलित अवधेश पासी ने इन कथा कथित राम को लाने वालों को मुंह की मतलब चोट दी, और बुरी तरीके से भाजपा न केवल वहां पर हारी, अयोध्या में हारी, बल्कि उसके आसपास की भी कई सीटें हारी। और ताज्जुब तो इस बात का भी है, जो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है क्योंकि वो तो अब रिकॉर्ड की बात बन चुकी है, कि बनारस में भी हमारे मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीते, और कई तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, उस पर छानबीन की भी बात की जा रही है, केस करने की भी बात की जा रही है, कि अभी भी वहाँ पर कुछ धांधलियाँ हुई हैं, और ईवीएम ने भी अपना काम किया है, और यदि ईवीएम और निर्वाचन आयोग ईमानदारी से मतलब काम करता, तो कई लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा 100 सीटें और नीचे आ सकती थी। तो ये अयोध्या वाला मुद्दा देखिए, काशी वाला मुद्दा, और ये वोटों वाला, इनके हारने वाला, देखिए आस्था की हिसाब से बात करें आप, तो आपने कहा कि जो धर्म लाने वाले हार गए, और ये सच तो ये है। हमारे एक बात थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का समय खराब आता है वो गलतियां करता है। हमारे देश में जब एक आम व्यक्ति ने एक ऐसे बादशाह को, जिसके सिर पे सोने का ताज था, जिसके पास चतुरंगणी सेना थी, उसके पास ये था वो था, मैं चतुरंगणी गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्द नहीं करना चाहिए, बड़ी भारी सेना थी, हाथी घोड़े थे, हथियार थे, उसकी एक आम व्यक्ति से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वो एक आम आदमी था,
तो कितने कमाल की बात है। इस बात की आपने हल्के से बात की, बहुत बड़ी बात है, विश्व का बहुत बड़ी घटना है ये कि वो मामूली सा राम का असली भक्त, जो अयोध्या का असली असली राम का भक्त, और जो अयोध्या का ही और राम के लाने वालों का राम के ठेकेदारों पे भारी पड़ा, तो इसमें अजीब बात क्या है। राम के पास तो कोई आराम थोड़ा अंधा है, राम तो जानता है मेरा कौन है, मेरे खिलाफ कौन है, मेरा नाम लेके मेरी टोपी पहन के कौन कर रहा है, और जो दिल से मुझे क्या प्यार, कौन प्यार कर रहा है। तो दिल से आस्थावान जो व्यक्ति था उसको राम ने ऐसे जीवन दे दिया, खड़ा हो गया, और वो जो सेनाएं लेके खड़े थे जिनके पास धन था, बल था, स्कीम थी, बड़े बड़े साधन थे, वो नीचे लगा। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, आप इसको यहीं तक सीमित मत करो, अयोध्या या अयोध्या के आसपास की जो सीटें हैं वो एक खास विचारधारा क्यों हार गई, ये तो एक शुरुआत है। इस विचारधारा को भारत के हर भारतवासी को, क्योंकि भारत के लोग राम को कल से थोड़ा जानते हैं, 10 साल से, जो लोग केवल 10 साल से राम को जानते हैं उनके मुकाबले में मुकाबला उन लोगों से है जो जो राम को 20 पीढ़ियों से जानते हैं, अनंत काल से जानते हैं। और जब आपस में वो दोनों भिड़ेंगे और राम के हाथ में फैसला होगा तो वो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मैं बार बार चाहता हूं इस देश के कल्याण के लिए, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए, जो भटक गए हैं इनको केवल अपनी आस्था और विचारधारा ठीक करनी चाहिए। जिस राम के नाम पे आप ये धंधा कर रहे हैं, इस राम को समर्पित हो जाएं और उसी के दरबार में खड़े होकर उससे मांग ले, हे राम हमसे भूल हुई, मैं माफ कर, बच जाएंगी ये। किसी के मरने जीने से, किसी के हारने जीतने से जनता को फर्क नहीं पड़ता, केवल ये है सत्ता में वो लोग आए, राम तो एक शब्द है, जिसे मानवता से प्रेम हो, जो सबको एक नजर से देखता हो, जो किसी भी आदमी जिस पे जुल्म हो रहा हो उसको मरते ना देख सके, वही राम का भक्त है। और अगर हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग राम की इस असली परिभाषा को समझ लें तो इनको कोई नहीं हरा सकता। नहीं, आपका कहने का तात्पर्य क्या ये है कि जो भाजपा के राम हैं और जो असली राम हैं दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग नहीं, एक राम है, एक राम का मुखोटा है, एक राम की, राम का एक आर्टिफिशियल डिजिटल शक्ल है उसकी। अब डिजिटल शक्ल जो है वो तो असली हो नहीं सकती, वो उस राम उस राम की तो आप कुछ नहीं, एक लकीर लगी हो ना खाली पीले रंग की, आप उसके आगे नमन कर लो तो रोशनी नजर आ जाएगी, आपका जीवन तर जाएगा। उसको कोई हार पहनाने की जरूरत नहीं, उसके हाथ में तीर हो ना हो, उसके छत्र हो या उसके खाली जंगल वाली भाषा वेशभूषा हो, राम तो राम है, नंगे पांव भी है और छत्र के साथ भी है, अयोध्या नरेश भी है और जंगलों में भूखा फिरता राम भी है। हमें राम के को हर स्वरूप में स्वीकार करना होगा। और जिस जो भी व्यक्ति, मतलब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाती है, मैं बच रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं करा जाता, भाई राम ने अगर किसी को शक्ति दी इस लड़ाई में, जाहिर है वो राम का होगा ना, वो कुछ ऐसे कर्म करता होगा जो राम के नियमों, राम की आस्था में स्वीकार्य हैं, जो राम भक्तों, जो अपने भक्तों से राम चाहते हैं। अगर ये काम किसी भी व्यक्ति ने, उसका नाम ABC हो सकता है, लोगों को वहम है कि सिर्फ राहुल गांधी है, नहीं, अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सचमुच राम को मानते हैं और राम के मंदिर से, राम सबके हैं, चरणामृत लेके भी राम को प्रणाम करते हैं, और लड्डू नहीं उनको चाहिए, बड़ा मिल जाए, वो बड़ा सा फल ही मिले तो ही वो राम है। राम के चरणामृत में शक्ति है, जो 9 भोग हो 100 भोग हो किसी को मिल जाए उसमें शक्ति नहीं है। सो जो लोग सिर्फ राम को एक साधन बना के संपन्न हो रहे हैं, हमारा एक देश में एक व्यक्ति है जो उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो उसको सरकार ने एयरपोर्ट दे दिए, उसको सरकार ने समुद्र के किनारे पोर्ट्स दे दिए, उनको ये दे दिया, वो दे दिया, और वो आदमी जो है जब लोग मर रहे हैं वो विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया। तो राम तो एक एक धागा खींचता है खाली, कुछ नहीं बचता। ये बल्कि मुझे लगता है कई बार कि ये जो देश में परिदृश्य चल रहा है, राम और राममय,
और राम का सौदा, ये राम को सचमुच पुनर्जीवित करेगा। और राम की आस्था में इस देश के बच्चे बच्चे में, चिड़िया में, जानवरों में, पशुओं में, उनके मुंह से राम की आवाज़ निकलेगी। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय उनको देना पड़ेगा जिन्होंने राम का धंधा किया, क्योंकि राम मैं करने के लिए, चाहे आप ये करें या वो करें, राम की स्थापना अगर दोबारा होती है तो राम की स्थापना, केवल राम मंदिर नहीं हो सकता, राम मंदिर से निकलने वाली ध्वनियाँ, राम मंदिर से निकलने वाले आशीर्वाद, राम मंदिर से निकलने वाले मंत्रों का उच्चारण अगर मन से किया गया है तो राम मंदिर का है। ईंटें लगाने से, पत्थर लगाने से, सोना लगाने से कोई राम मंदिर नहीं बनेगा। राम मंदिर तो जब हमने बड़े मंदिर हिंदुस्तान में देखे, हजारों मंदिर है, हाँ, लोग जाते हैं वहाँ, कोई सोना, ऐसे भी हैं जिनमें सोना लगे हैं, ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को सिर रगड़ रगड़ के मीलों से वहाँ जाते हैं और जाके उन मंदिरों में जाते हैं। चलिए अब हम इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। जो आज का मुद्दा था, धर्म और राजनीति, या किस तरीके से धर्म का राजनीति के लिए गलत उपयोग किया गया, जो धर्म सम्मत नहीं है, ऐसा मानना है हमारे आज के मेहमान ज्योति संघ जी का, जो एक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार हैं और रंगकर्मी हैं, भाषा जर्मन भाषाविद हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपने विचार रखे, तो ज्योति संघ जी आपका आभार, देश रोजाना की तरफ से भी आपका धन्यवाद। मैं देश रोजाना का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और मेरे मन से आपसे बातचीत करने के बाद, मैं राम भक्त हूँ, राम को पसंद, हमेशा उनकी उपासना करता हूँ, उनमें विश्वास है, लेकिन आपकी वजह से आज मेरा मन कह रहा है कि जाने से पहले एक बार जोर से कहूँ जय श्री राम। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर, जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया। तो ये तो हमारा आज का कार्यक्रम, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, देश रोजाना का विस्तार भी होता है, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये सब करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देश रोजाना को आगे बढ़ाने में दर्शकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ यार आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।